प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में भारत की सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करते हुए भाषण दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। अपने वर्चुअल संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि सबको भोजन के लिए हम खाद्य सुरक्षा लेकर आए हैं। पीएम मोदी आवास योजना के जरिए 2022 तक हर भारतीय के सिर पर अपनी छत होगी, जब भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से जंग में भी भारत ने 150 से अधिक देशों की मदद की है। द कोविड 19 पैंडेमिक हैज सीवियरली टेस्टेड द रेजिलियंस ऑफ ऑल नेशंस। इन इंडिया वी हैव ट्राइड टू मेक the fight against the pandemic a people's movement by combining the efforts of government and civil society. We have given the highest priority to reach benefits to poor households. We have announced a package of more than $300 billion. It will bring the economy back on track, build modern infrastructure and put in place a technology driven system. We have put forward a vision of Atmanirbhar Bharat, a self reliant and resilient India integrated with the global economy. पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हम एजेंडा 2030 को पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। हम विकासशील देशों की मदद कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।